दोस्तों सुबह सुबह जो है उठने से पहले अगर रात को आदमी को टॉयलेट लगे, यूरिनल लगे, पेशाब लगे, तो उसमें दो कंडीशन होता है, या तो उठ के उसमें जा कर के यूरिनल करे बिस्तर से, अदरवाइज उसमें ही बैठे रहे, तो उसमें भी तीन चार पोजीशन होता है। अगर मतलब कितना भी आलसी होता है ना, तो नहीं चाहता है कि हम जा कर के उठ करके जाए बाहर और यूरिनल करें, तो उसमें सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि आपको इस तरह अगर फ्लैट संभाल लीजिए, ये फ्रंट आपका है, अगर आप इस तरह सोते हैं तो उसमें तो आपको पूरा प्रेशर पड़ेगा ही बनेगा। बट अगर आप आलसी आदमी हैं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा देर के बाद जा कर के यूरिनल करें, तो उसमें भी कंडीशन ये है कि आपको इधर इस पोजीशन से इस पोजीशन में कन्वर्ट हो जाना है, इस पोजीशन से इस पोजीशन में कन्वर्ट हो जाना है। तो इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा सा पैर मोड़ लेने से थोड़ा रिलैक्स होता है, मतलब प्रेशर कम फील होता है और आदमी उसमें टाइम वेस्ट कर सकता है। ऐसा ही है अपने, मतलब मैं ऐसा ही जो है मैं कई बार किया हूँ, और थोड़ा आलसी लगता है ना भाई साहब, कौन उठ के जाएगा बाहर में, एकदम ठंडी, एक तो उसके ऊपर से इतना अच्छा से नींद लगा हुआ है, थोड़ा रिलैक्स होकर आदमी सो भी सकता है, कौन जाएगा। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस, और क्रिटिकल कंडीशन भी क्रिएट हो सकता है इसलिए, लेकिन करना नहीं चाहिए। प्रेशर जो भी आता है, जो भी नेचुरल कॉल होता है, उसको जो है टाइम टू टाइम उसको जो है वो करना ही चाहिए। और माँ चली गई हैं अभी सिकाई के लिए। ओ सॉरी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन टूडेज ब्लॉग। दोस्तों आज है 2nd of December, साल का जो अंतिम महीना चल रहा है। तो कैंसर के समय जो है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, कीमो हो गया, ऑपरेशन हो गया, सर्जरी, और आप रेडिएशन हो गया। रेडिएशन जो है मस्ट है, रेडिएशन में जो है मतलब जो भी अवशेष बचे रहेंगे वो सारा का सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको इरेडिकेट कर देते हैं जड़ से। कितना आदमी वैसे मैं सुनने में आ रहा है कि रेडिएशन से कितना आदमी डर रहा है, उसके मतलब माइंड में अलग अलग तरह का भ्रम डाल दिया गया है कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मतलब लेडीज़ का जो ब्रेस्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और तो आता है कि उसमें कोई किसी प्रकार का मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग बाहर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा जो है मतलब अनवांटेड थिंग आपके माइंड में डाल देते हैं, बहुत डराते हैं, ये होता है, वो होता है, और अपने यहाँ का लेडीज कुछ और ही है कहानी, वो और भी ज़्यादा डरा कर रखते हैं, भाई साहब ये हो जाता है, वो होता है, हम लोग ऐसा सुने हैं, वैसा सुने हैं, इन्हों नहीं समझते हैं, ये नहीं सुनते हैं कि मतलब बीमारी उनका भी अलग है और बाकी सब जो सुनाते हैं उनका भी अलग है। आपसे आपको जो है माँ से ही बात करा देता हूँ, वो कैसे बताती हैं उनको क्या फील होता है, डायरेक्ट आप उनके मुंह से सुन लीजिएगा। आप मेरे ऊपर कम, उनसे उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करके, क्योंकि खुद झेल रही हैं, खुद समझ भी रही हैं। तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का मैं आपको टूर दे दूँ, और एक्चुअली हम लोग पटना में फुलवारी शरीफ सब्जी मार्केट जो है उसी के पास में गेस्ट हाउस है, उमा स्मृति गेस्ट हाउस, और यहीं पर हम लोग रहते हैं। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह, ये एक्चुअली जो 4th फ्लोर बिल्डिंग है, उमा स्मृति गेस्ट हाउस इसका नाम है, और ये इसका ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। एंटर करने के साथ में एक हॉस्पिटल है, श्रीजन हॉस्पिटल, छोटा सा मैटरनिटी का हॉस्पिटल है यहाँ पे, इस तरह का नज़ारा यहाँ का। और यहीं से ग्राउंड फ्लोर से ही रूम नंबर सभी शुरू हो जाते हैं, जैसे 0G1 ग्राउंड फ्लोर का है और इस तरह का। और ये जो है यहाँ का ऑफिस, यहीं पर हमारे मुंशी जी बैठते हैं, यहाँ का उमाश्रिथ रेट लिस्ट भी यहीं पे दिया गया है, देख सकते हैं सभी का सभी। और इधर से हम लोग जहाँ रहते हैं उसके ऊपर 1st फ्लोर पे जाने का रास्ता, ये जो है जितने भी रूम्स देख रहे हैं ये सभी के सभी अटैच्ड रूम्स हैं। और यहाँ पे सबसे लास्ट वहाँ पर जो है फिल्टर लगा हुआ है, वाटर फिल्टर, और यहाँ से जो है 101 से रूम लेकर के लास्ट में यहाँ पर है 112, और ये 113, 13 रूम दिया गया है। और दोस्तों फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पर मेरे को आकर के पता चला कि 101 का मतलब हो गया कि 1st फ्लोर पे पहला रूम नंबर, 102 का मतलब हो गया 1st फ्लोर का दूसरा रूम नंबर, और 103 का मतलब हो गया 1st फ्लोर पे तीसरा रूम नंबर, एंड रेस्पेक्टिवली ऐसे करके रूम नंबर अरेंज किया जाता है। बट पहले मेरे को पता चलता था कि जैसे 101 हो गया तो 101वां नंबर रूम नंबर है ये, यानी कि 100 तो है ही रूम और रूम्स, और उसमें जो है एक ये वाला हो गया, इस तरह का समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। 100 जो है फ्लोर्स को इंडिकेट किया जाता है, बट मतलब 100 प्लस करके जो है रूम नंबर को अरेंज किया गया है। और ये जो 3rd फ्लोर पे, इसी में हम लोग रहते हैं, यहाँ का बाथरूम का फ्रंट हो गया,
इधर बर्तन वर्तन वहीं पे हम लोग धोते हैं, और यहाँ का बालकोनी, इधर में बालकोनी हम लोग, और इधर में ये यहाँ का इस तरह का नज़ारा। यहाँ पर भी सेम एज यूजल 201 सेकेंड फ्लोर पर 202, और ये हम लोग का रूम नंबर है 210। यहाँ पर हम लोग का किचन, छोटा सा किचन यहाँ पर अरेंज किया गया है, और यहाँ माँ खा रही हैं चना। बात तो बताने ही भूल ही गया कि माँ को मतलब बताना था माँ से कि कितना आदमी एक तो डरता है ना कि सेकाई में जो प्रॉब्लम होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। माँ खुद फील कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, और माँ बताएंगी। माँ कैसा लगता है आपको, कोई डर लगता है? नहीं डर नहीं लगता है, अच्छा हो गया तो, अब सब तरह ठीक हो गया। कितना आदमी बोलता है कि रेडिएशन के बाद से मतलब नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जलन वलन नहीं ना होता? नहीं जलन नहीं होता है, सकाई भी होता है तो कुछ डर नहीं है। कितना आदमी डरता है, ऐसे डरने का कोई बात नहीं है ना? नहीं नहीं कुछ का डर नहीं है। और क्या प्रॉब्लम होता है जहाँ पर सिकाई होता है तो? एक तो चराना जैसा होता है ना, जैसे खींचता है आदमी? हाँ थोड़ा हल्का हल्का, मतलब न दर्द करता है, नहीं जलन होता है थोड़ा सा, चराइले जैसे तेल साबुन नहीं लगाना से होता है थोड़ा। हाँ मतलब सूख जाने की वजह से एक्चुअली होता क्या, ड्राइनेस की वजह से वैसा मतलब फील होता है, बट ऐसा डरने कोई जरूरत नहीं है, वो सब ठीक ठाक रहता है। और सबसे जो लास्ट फ्लोर है, सबसे ऊपर का फ्लोर में कुछ यहाँ पे जाने के बाद, इतना अच्छा यहाँ का सेटअप दिया गया ना भाई साहब, इतना अच्छे से मतलब अरेंज किया गया है कि आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे रहने का हम लोग का मेन वजह ये है कि यहाँ पर अंदर में थोड़ा सा है, यहाँ पे बहुत शांति होता है, और हॉस्पिटल के पास में भी इतना ही रेंट लेते हैं, बट मंथली हम लोग को थोड़ा कम पड़ता है यहाँ पर, और मंथली वहाँ पर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि वो हॉस्पिटल के पास में भी है, और वहाँ पे तो अर्जेंट है, तो वो लोग अर्जेंट का मतलब इमरजेंसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग, इसलिए वहाँ पे थोड़ा भी डिस्काउंट नहीं देते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट मिला है मंथली पर, और इसलिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमेशा यहीं पर आकर रुकते हैं, क्योंकि रोड से थोड़ा अंदर है, यहाँ मरीज बहुत कम आते हैं, और मतलब एक देख के होता है ना, वायलेंस किसी तरह का नहीं होता है मन में, चाहे शरीर को, और चाहे मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट में भी बहुत शांति है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पे ठहरने में मतलब ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सबसे ग्राउंड फ्लोर था, उस पर जो है मतलब कम रेंट लगता है, ऐसे तो पता नहीं है 250 या 300 जैसा रेंट लगता है, बट उसके ऊपर में जो अटैच वाला था फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पर जो है आपको 400 से 500 का मतलब रेंज का जो है रूम मिल जाता है, और जो सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो सेकंड फ्लोर पे जिस पे हम लोग रहते हैं उसमें 300 जो है 300 रुपये जो है पर डे का चार्ज लगता है, मंथली में थोड़ा कम पड़ता है तीनों फ्लोर्स पे। और जो सबसे लास्ट फ्लोर है थर्ड फ्लोर पे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेट कर रहा है क्या, 301 देख सकते हैं, 301 यानी कि थर्ड फ्लोर पे पहला रूम नंबर है, तो थर्ड फ्लोर पर भी मतलब अगर ये लोग फिलहाल अभी तो सजा दिया पूरा अच्छे से, मतलब सेटअप कर दिया है पूरा, मतलब रूम को अच्छे से तैयार कर दिया, इसलिए इसको भी 300 ही पर डे करते हैं, बट बालकोनी के साइड में वहाँ पर जो है 200 पर डे का मतलब चार्ज करते हैं, मतलब ऊपर जितना आइएगा उतना जो है उसका मतलब रेंज कम होते गया है। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग एज फॉर व्हाट्स फॉर रीजन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आया हो, आई होप ये आपको पसंद जरूर आया होगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, और नए हो तो गाइज प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिए, ताकि मेरे को और ज़्यादा हिम्मत मिल सके और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकूँ, मतलब मनोबल के साथ। तो मिलते फिर किसी ऐसे एक और ब्लॉग में, और कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल में जो है हमारे एक नए दोस्त, नए मित्र, भाई बोली भाई भैया आ रहे हैं, तो मैं आपसे वो मिलवाऊंगा जरूर, कल सुबह सुबह ही ट्रेन से मतलब उतरेंगे, तो आपसे मिलवाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।